तो अभी हम लोग हैं स्वर्णिम वाटिका मनाली कोठी विलेज। ये दोनों दोस्त मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पे भी सामने। यहाँ से अभी तक हम लोग यहाँ तक पैदल आ चुके हैं। ये जो ऊपर दिख रहा है ये रोहतांग पास का रास्ता जा रहा है ऊपर। आनंद ही आनंद एकदम। हेलो एवरीवन और स्वागत आपका एक और वीडियो में। तो इस ब्लॉग में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कोठी विलेज नियर मनाली, जो कि मनाली रोहतांग हाईवे पे लगभग मनाली से 14 किलोमीटर दूर है। और अभी हम लोग हैं मनाली में और सुबह का लगभग 9 बज रहे हैं, टाइम 9 बज चुके हैं और मौसम बिल्कुल ठंडा है, बादल लगे हुए हैं, बर्फ़ पड़ने के भी चांसेस हैं। तो देखते हैं, अगर बर्फ़ पड़ जाए तो बेटर है हम लोगों के लिए। ये ऊपर ऊपर तो है, हाइट वाले इलाके में तो बर्फ़ गिर रही है, ऊपर स्नोफॉल हो रहा है वहाँ पे। तो मनाली से लगभग 8 किलोमीटर दूर पलचन है। तो पलचन से ही एक रास्ता निकल जाता है रोहतांग हाईवे को, जिसके के रास्ते में कोठी विलेज आता है। और पलचन से एक दूसरा रास्ता निकलता है अटल टनल को, जो कि आगे लेह के लिए जाता है रास्ता, जो कि लगभग यहाँ से मनाली से 8 किलोमीटर दूर है। कल लगभग 2 बजे के आसपास हम लोग चंडीगढ़ से निकले थे। तो हम लोगों का टारगेट था कि मंडी तक लगभग पहुँच जाएंगे, हम लोग मंडी तक जाएंगे और वहीं स्टे करेंगे। लेकिन टारगेट हमारा बढ़ता गया और हम लोग मंडी से आगे कुल्लू तक पहुँच गए, कुल्लू से आगे मनाली तक पहुँच गए हम लोग लगभग 9 बजे के आसपास। तो मतलब इतने कम टाइम में हम लोगों ने इतना बड़ा सफ़र तय करा है। तो इसके लिए भाई जो मेरे साथ बंदा जा रहा है, ये पायलट हमारा, इसको थैंक यू बोलना बनता है। ये गौरव है, गौरव मेरे साथ ऑफिस में ही है, क्योंकि सारे रास्ता गाड़ी ड्राइव इसी ने करी, मुझे ड्राइविंग आती नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू। चलो मेन चीज़ है कि बारिश हो रही है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है ऊपर कोठी विलेज में शायद स्नोफॉल भी मिल जाए हम लोगों को, ताज़ा ताज़ा स्नोफॉल एकदम। चलो देखते हैं, पलचन लगभग हम लोग पहुँचने वाले हैं, लगभग 2 किलोमीटर रह चुका है पलचन यहाँ से। और सीनरी देखो जो आप इधर की, अभी हम लोग वहाँ पलचन में आ चुके हैं। तो पलचन से ये जो आगे रास्ता जा रहा है, ये दिखा रहा हूँ आपको, आगे जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है अटल टनल को, और यहाँ से दूसरा रास्ता जो है वो कोठी विलेज को है, इस तरफ जा रहा है। नीचे की बर्फ़ तो पूरी पिघल चुकी है, लेकिन ऊपर पहाड़ों में अच्छा खासा स्नोफॉल हो रखा है। अभी मार्च का टाइम है और मतलब ऊपर आप देख सकते हो वीडियो में कितना ज़्यादा स्नोफॉल हो रखा है ऊपर, अभी भी है और ताज़ी बर्फ़ भी पड़ रही है ऊपर अभी भी। तो अभी कोठी विलेज में हम लोग आ चुके हैं और देख रहे हैं जितना आगे तक हम लोग जा सकते हैं। तो आज हमारा स्टे यहीं पर है और यहाँ से कुछ आगे जाके कोई बैरियर लगा है मेरे ख्याल से, वहाँ पे देखते हैं क्या है, मतलब मुझे कंफर्म नहीं उस चीज़ का। कहाँ घूम रहा तू? हाँ तो भाई अभी हम लोग कोठी गांव में हैं और गाड़ी जो है यहीं तक जा रही है। आगे इन्होंने कहा कि आगे परमिशन नहीं है गाड़ी ले जाने के, आगे एटलीस्ट 15 मार्च तक, कि आगे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इधर ही भटक रहे हैं फिर हम लोग थोड़ा आगे पैदल पैदल कह रहे हैं, पैदल जा सकते हैं कि आप थोड़ा आगे तक, तो थोड़ा आगे तक पैदल चलते हैं इधर, उसके बाद देखेंगे हम लोग अपने लिए यहाँ पर होम स्टे, एकदम शांत जगह पर कोई होम स्टे हो, और फिर करेंगे कोठी विलेज को एक्सप्लोर। हाँ गौरव कैसा लग रहा है? बहुत मस्त, एकदम शुद्ध हवा पूरा मज़ेदार। कल से हम लोग गाड़ी में चले जा रहे हैं और आज जाके पैदल चलने का मौका मिला, वो भी इतनी बढ़िया जगह पे। रोहतांग पास की तरफ जाने वाला कोई भी वाहन बिना परमिट के गुलाबा बैरियर से आगे नहीं जाएगा।
तो ये पीछे दिख रहा है सामने, यहाँ से अभी तक हम लोग यहाँ तक पैदल आ चुके हैं और टूरिस्ट भी बहुत कम दिख रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ हम लोग ही दिख रहे हैं बस। तो मुझे लग रहा है अभी ज़्यादा लोग आने रखे हैं इधर अभी इस टाइम पे, एक दो महीने बाद ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि पीक सीजन स्टार्ट होता है फिर गर्मियों में। तो अभी देखते हैं जितना आगे तक जा सकते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा है अभी, सिर्फ टाइम अभी हो रहा है 10:15 या 10:30 हो रहा है लगभग शायद, तो टाइम ही टाइम है आज हमारे पास, तो जितना आगे तक जा सकते उतना आगे तक जाएंगे हम लोग। तो अभी मेरे और गौरव के साथ दो दोस्त और आ चुके हैं यहाँ पे, ये देखो एक ये नीचे लेटा हुआ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये आप समझ लो कि गाइड है हमारे साथ, गाइड बोल सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड बोल सकते हो। चलो भाई आ जाओ, चलो आगे चलें, आ जा। ये देखो पूरे सिग्नल पहचानते हैं दोनों। क्या कर रहे हैं आप? हाँ भाई क्या सुन रहा तू? तो अभी हम लोग हैं स्वर्णिम वाटिका मनाली कोठी विलेज वन मंडल कुल्लू। ये मेरे पीछे गुलाबा 7 किलोमीटर, गुलाबा यहाँ से 7 किलोमीटर आगे गुलाबा चेक पोस्ट। ये देखिए ऊपर मेरे पीछे कंटिन्यू वहाँ ऊपर हाइट पे स्नोफॉल हो रहा है सुबह से ही, लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं कि नीचे आए। सामने से ऊपर बर्फ पिघल पिघल के आ रही है नीचे, तो कई सारे छोटे छोटे वाटरफॉल बने हुए हैं, पानी कम है लेकिन जो हाइट है वाटरफॉल की वो काफ़ी ज़्यादा है। ये दिख रहा है सामने पतला सा, एक इधर बीच में है कोई और ये सामने दिख रहा है इधर एक, और ऊपर कंटिन्यू स्नोफॉल हो रहा है। ये दोनों दोस्त मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पे भी, ये दोनों एक तरह से गाइड का काम कर रहे हैं हम दोनों के लिए, प्लस प्रोटेक्शन, कोई अगर पहाड़ी जानवर मिलता है। आ जा ये जो ऊपर दिख रहा है ये रोहतांग पास का रास्ता जा रहा है ऊपर, ये देखो जिग जैग जो रोड दिख रही है ऊपर जाने के लिए। अब अगर गाड़ी की परमिट होता हमारे पास तो हम आगे जा सकते थे, बट फिलहाल इधर तक ही जाएंगे हम लोग, बस यहाँ से चलते हैं वापस। कोठी गांव से लगभग 2 किलोमीटर हम लोग आगे आ चुके हैं, अब यहाँ से वापस चलने का टाइम है, इतने तक ही जाएंगे हम लोग, आगे नहीं जाएंगे, नेक्स्ट टाइम जाएंगे आगे। ओ बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है अभी, मतलब अभी तक तो बिल्कुल रुकी हुई थी, अभी थोड़ी तेज़ हो गई बारिश, उससे पहले कि हम पूरा भीगें नीचे गाड़ी तक पहुंचते हैं फटाफट और होम स्टे देखते हैं कोई बढ़िया एकदम, जहां से प्रॉपर एकदम व्यू आ रहा है एकदम अच्छा सा। वैसे तो पूरे जगह से व्यू आ रहा है यहां से, हर जगह से अच्छा व्यू आ रहा है, बट ये फ़िलहाल बारिश से बचना है क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो हमारे पास कोई मेडिसिन भी नहीं है कुछ, तो बारिश से बचना है।
के लिए स्पीड तेज करनी पड़ रही है हम लोगों को।